हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारे पास आया है सैमसंग का A03 कोर मॉडल है। इसे किसी ने हार्ड रीसेट कर दिया है, तो रीसेट करने के टाइम पे ये या तो यहाँ पे लोगो पे अटक रहा है, लोगो पे स्टक हो रहा है, या फिर रिकवरी में जा रहा है। यहाँ पे देखिए, रिकवरी यहाँ पे फेल आ रहा है, ठीक है। यहाँ से ना तो फॉरवर्ड हो रहा ना कुछ हो रहा। तो सिंपल सा हमें सबसे पहले कर लेना है इसका फ्लैश फाइल डाउनलोड, और इसको देखिए मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो गूगल पर जाकर हमें यहाँ से इसका सैमसंग का जो फर्मवेयर होता है, जो फ्लैश फाइल होता है, उसको हमें इंस्टॉल कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है अपने पीसी के अंदर। और पीसी के अंदर उसको डाउनलोड करने के बाद उसको हमें एक्सट्रैक्ट कर लेना है फाइल को, ठीक है। तो देखिए गाइस, हमारा यहाँ पर जो फाइल है वो एक्सट्रैक्ट हो रहा है। और एक्सट्रैक्ट होने के बाद मैं अभी आपको इस फ़ोन को फ्लैश करके दिखाऊंगा, जिससे हमारा ये जो प्रॉब्लम है स्टक रिकवरी वाला और ऑन ऑफ वाला, ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमें कैसे करना है मैं इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। तो बनी रही हमारी वीडियो के लास्ट तक। हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको सारा कुछ यहाँ पर दिखाऊँगा मैं, कैसे इसको फ्लैश करना है, किस टूल से फ्लैश करना है। मैं यहाँ पर आपको सारा कुछ दिखा दूँगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा स्ट्रैक हो चुका है फाइल और यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ओडन टूल होता है जो, उसको डाउनलोड कर लेना है गूगल पे जाके, और उसको हमें यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। अभी मैंने क्या किया है, ओडन 3 को यहाँ पे ओपन कर लिया, और इसका वॉल्यूम डाउन और पावर की को प्रेस करना है एक साथ, और फिर हमारा जो डाउनलोड मोड आ जाएगा उसको क्या करना है, फिर वॉल्यूम प्लस का जो की प्रेस कर देना है, जिससे हमारा डाउनलोड मोड में चला जाएगा फ़ोन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, एक एक हमें फाइल सेलेक्ट कर लेना है। तो अभी मैंने BL का फाइल पे क्लिक किया, इसको BL फाइल उठा लेंगे यहाँ से, और फिर उसके बाद है यह जो CP फाइल है, इसका CP फाइल इसको यहाँ पे उठा लेंगे, ठीक है। और इसके बाद CSC फाइल है, इसको भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। और सबसे लास्ट में करेंगे AP फाइल को, क्योंकि ये फाइल जो है मेन फाइल होती है, और ये होती है लंबी लॉन्ग फाइल होती है, ठीक है। तो इसको हमें लास्ट में ऐड करना है, इसमें कुछ टाइम लगता है। और देखिए यहाँ पे प्लीज़ वेट लिखा आ रहा है, इसका मतलब ये जो फाइल है वो इस टूल के अंदर लोड हो रही है गाइस, ठीक है। और लोड हो जाएगी तो यहाँ पे हमें दिख जाएगा, उसके बाद हमें इसको स्टार्ट करना है, और स्टार्ट करते ही हमारा फ्लैशिंग चालू हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, हाँ स्टार्ट कर दिया मैंने। तो यहाँ पे स्टार्ट करने के बाद कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा स्टार्ट बटन पर हमें क्लिक करना है, ठीक है। इस तो हमारा जो फ्लैशिंग है वो यहाँ पे होने लगेगा। यहाँ पे अभी मेरा डिवाइस ऐड नहीं हुआ है, देखिए मैंने अभी इसको लगाया है, केबल को इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। अभी मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो हमारा फ्लैशिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें अच्छे से एक फाइल को सिलेक्ट करना है, कहीं कोई फाइल मिस ना हो जाए, क्योंकि हमारा जो फ़ोन ये जो रिकवरी में जा रहा है, फॉर्मेट मोड में जा रहा है, यदि हम इसको अच्छी तरीके से फ्लैश नहीं करेंगे, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हमारा फ़ोन यहाँ पे डेड भी हो सकता है गाइस, ठीक है। तो हमारा फ़ोन डेड ना हो, इसके लिए हमें अच्छे से करना है। और देखिए हमारा जो डिवाइस ऐड लिखा आ गया है यहाँ पे, और हम इसको सिंपल सा स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा फ्लैशिंग जो है वो यहाँ पर ऑन हो जाएगी। ये देखिए हमारा जो फ्लैशिंग है वो ऑन हो चुका है। और अभी मैं वीडियो को थोड़ा सा कट कर दूँगा, वीडियो लंबी ना हो इसलिए इसको थोड़ा सा कट कर दूँगा बीच में। और यहाँ पर हमारा जो फ्लैशिंग है वो यहाँ पे होने वाला है कम्प्लीटली, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया हूँ कैसे इसको फ्लैश करना है, किस टूल से करना है। और गाइस ये हमारा जो फ्लैशिंग और ये फ्लैशिंग टूल है ये बिल्कुल फ्री रहता है, और यहाँ पे हमें फाइल भी फ्लैश फाइल जो है वो भी बिल्कुल फ्री है। तो हमें गूगल की मदद से इसको डाउनलोड कर लेना है, इसका मॉडल लिख के, ठीक है। सिंपल सा गूगल में मिल जाता है, तो इसको डाउनलोड कर लेंगे, इसका कोई भी बिल्कुल भी कोई कॉस्ट नहीं है। आप अपने पीसी में आराम से कर सकते हैं, किसी की भी यहाँ पे किसी भी प्रकार की ज़रूरत की नहीं है, ठीक है गाइस। तो सिंपल सा आप इसको फ्लैश इस तरीके से कर सकते हैं। किसी भाई ने या फिर इसको रीसेट किया है, या फिर इसको हार्ड रीसेट करने की कोशिश की है, तो ये जो फ़ोन है वो मतलब ऐसी प्रॉब्लम में फंस गया है, ठीक है। तो कस्टमर हमारे पास लेके आया था, तो अभी मैं इसको फ्लैश करता हूँ और देखता हूँ हमारा फ़ोन जो है उसका प्रॉब्लम ठीक होगा कि नहीं होगा, ठीक है गाइस। तो बने रहिए हमारी वीडियो के लास्ट तक।
आपको मैं इसको लाइव सब कुछ दिखा रहा हूँ, इसको फ़ोन को ऑन करके भी दिखा दूँगा कि हमारा फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए तो इसमें यूज़र डाटा का ही ऊपर लिखा रहा फाइल, इसमें फ़ोन के अंदर फ्लैश हो रहा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे एक एक करके सारा फाइल मोबाइल के अंदर लोड हो जाएगा। और ये देखिए हमारे यहाँ पे पास लिख के आ चुका है, ठीक है गाइस। इसका मतलब हमारा जो फ्लैश फाइल है अच्छी तरीके से फ्लैश हो चुका है हमारा मोबाइल। तभी हम मोबाइल की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा फ़ोन ऑन करके कि हमारा फ़ोन में क्या दिक्कत आ रहा है, उसका जो प्रॉब्लम था वो ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो देखिएगा इस यहाँ पे हमारा फ़ोन ऑन होने वाला है और यहाँ पे एप्लीकेशन इंस्टॉल भी होने लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फ्लैशिंग था वो कम्प्लीटली हो चुका और हमारा मोबाइल का जो प्रॉब्लम था वो भी ठीक हो गया है। तो अभी मैं इसको ऑन करके और इसका सेटअप बना के आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी ही वीडियो के लिए हमें कमेंट कर देना, हम आपको ऐसी वीडियो लाते रहेंगे।